सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता होगा, बीट एक्सपी मार्क रेंज बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही थी। 1000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में बीट एक्सपी ने इसको लॉन्च किया था और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चर्चा में रही थी और कुछ इश्यूज़ भी थे लोगों को, तो इश्यूज़ को भी हम आज लेने वाले हैं। और साथ ही में यहाँ पे अब जो प्राइसेस का बढ़ चुका है, बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कम प्राइस में बाय करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा आप सब, ठीक है। 1.96 इंच की डिस्प्ले मिलती है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है और रोटेटेबल क्राउन के साथ ही वॉच आती है। 1000 रुपये में कोई भी मार्केट में आपको वॉच नहीं मिलेगी जो रोटेटेबल क्राउन के साथ आपको इतनी बड़ी डिस्प्ले देते हैं। नीचे की साइड चेन थोड़ी ज़्यादा मिलती है और एक अच्छी बात है कि 1000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट कोई ऐसी वॉच है ही नहीं जो आपको 60 हर्ट्ज़ का स्मूथ यूआई देते। इसमें काफ़ी स्मूथ मिल जाता है यूआई, तो ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इसका, बीट एक्सपी मारवेज का, जो अदर वॉचेस प्रोवाइड ही नहीं करती इस प्राइस ब्रैकेट में, वो बीट एक्सपी ने कर दिखाया है। बिल्ड क्वालिटी आई नो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, बट बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर करूँ एम्ब्रेन की वाइज ग्लेस से, काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी मिलती है और 20 mm स्ट्रैप साइज मिल जाता है इसका। आफ्टर मार्केट का आप इसमें लगा सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। डेडिकेटेड सेंसर के साथ आती है, रेड और ग्रीन एक्सटेंशन का सेंसर बकायदा इसमें मिल जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। 2.5D कर्व ग्लास में यूज़ किया गया, ठीक है। और ओवरऑल मेरे को वॉच काफ़ी अच्छी लगी थी 1000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, बट अभी 1300 मिल रही है, क्या अभी भी हमको लेनी चाहिए? यस गाइज, आप ले सकते हो। 1300 रुपये में भी ये वैल्यू फॉर मनी बन जाती है, क्योंकि 1300 रुपये में भी कोई वॉच आपको मार्केट में नहीं मिलेगी जिसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता हो। यस, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आपकी वॉच चलेगी सिर्फ और सिर्फ 6-7 घंटे, दैट्स इट, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, ऑब्वियसली बात है। दूसरा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि अदर वॉचेस में होता ही नहीं है, एमोलेड डिस्प्ले में भी खासकर कई बार नहीं होता है, वो है आपका 5 मिनट तक अपनी पीक को एज अ वॉच फेस रख के इसको ऑलवेज ऑन रख सकते हो। मतलब यहाँ पे स्क्रीन वेक मिल जाता है 5 मिनट तक, तो 5 मिनट तक अपनी पीक को एज अ वॉच फेस रख के इसको आप ऑन ही रख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी डिस्प्ले मैंने ऑन कर दी है, 5 मिनट तक ऑन रहेगी, तो ये भी इसमें अच्छी बात है। बट अगेन, इसको अगर ऑन कर दोगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑन रहेगी, तो बहुत ज़्यादा बैटरी आएगी आपकी वॉच, 5 से 6 घंटे ही चलेगी, ध्यान रखना आपको, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ कर देते हो, रेस्ट टू वेक पे यूज़ करते हो, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ पर्टिकुलरली बहुत टाइम से, तो ये लॉन्ग टर्म रिव्यू भी हो जाएगा और ये क्या कहते हैं साथ में ये भी रह जाएगा, इसका इशू रिजॉल्विंग वीडियो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा बैटरी बैकअप दे रही है, 2 से 3 दिन के बीच में मिल जाता है मेरे को ऑन फिटनेस मोड्स, और कॉलिंग पे 1.5 से 2 दिन चल जाती है वॉच, ठीक है। थोड़ा सा कम है बैटरी बैकअप, बट अगेन गाइस ठीक है इस प्राइस ब्रैकेट में। अब गाइस यहाँ पे हम चेक करेंगे यहाँ पे कैसे क्या, जब आपको ये वॉच मिलती है ना, मिलती है बेसिकली, तो ये रीसेट रहती है, मतलब ऑब्वियसली बात है रीसेट होके मिलती है, तो एक बार हम रीसेट कर लेते हैं इसको यहाँ पे इस तरीके से। एप्लीकेशन कौन सी है, देखो प्ले स्टोर पे 2 एप्लीकेशन मिलेंगी आपको, QR कोड से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो एप्लीकेशन, या इवन चाहो तो मतलब आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्टली प्ले स्टोर से, या QR कोड स्कैन करके भी कर सकते हो। आपको इंस्टॉल करनी है बीट एक्सपी ट्रैक करके एप्लीकेशन, ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ये रही आपकी इटसेल्फ, बीट एक्सपी ट्रैक नाम से, और ये ऑरेंज वाला आइकन टाइप का मिलेगा आपको, उसको इंस्टॉल करना है, ये वाला बीट एक्सपी ट्रैक करके ये एप्लीकेशन है, आप देख लो, ठीक है। प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपका आप विदाउट लॉगिन भी इसको यूज़ कर सकते हो वॉच को, ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आप विदाउट लॉगिन यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और वैसे लॉगिन करके भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऐड डिवाइस पे जाना है आपको, यहाँ पे सर्च कर रहा है, तो लोकेशन और ब्लूटूथ दो चीज़ें ऑन रखनी थी आपको फ़ोन में, नहीं तो ये पेयर नहीं होगी। यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो डायरेक्टली, वैसे आप बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या हम यहाँ पे वॉच को बिना फोन से पेयर करें यूज़ कर सकते हैं, टाइम सही होगा? नहीं, पहली बार आपको इसको पेयर करना पड़ेगा अपने फ़ोन से। यहाँ पे 12:01 AM दिखा रहा है, अब यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है देखो, यहाँ पे कितना हो रहा है 1:33 हो रहा है दोपहर का, तो यहाँ पे एम दिखा रहा है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा जैसे ही मैं इसको पेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे बीट एक्सपी रेंज पे करते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा आपकी वॉच पे, यहाँ पे अलाउ कर देना है, और यहाँ पे ये पेयर हो जानी चाहिए, ठीक है, हो गई है, और यहाँ पे स्किप कर दो आप, ठीक है, डायरेक्टली, और टाइम एकदम सही हो चुका है, देखो एकदम मैच कर चुका है। अब इसको बिना फ़ोन से यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे स्किप कर देते हैं ये सारी चीज़ें, उसके बाद यहाँ पे डिवाइस पे चलते हैं। ये इंटरफेस मिल जाता है बेसिकली, स्टेटस में इंटरफेस सब कुछ, स्ट्रेस मोटर, स्लीप मोटर, ब्लड प्रेशर सब कुछ इसमें शो करता है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइस पे जाते हैं, यहाँ पे डिवाइस पे बैटरी दिखा रहा है और वॉच फेस दिखा रहा है, तो वॉच फेस चेंज करने का ऑप्शन अगर आपके नहीं आ रहा है, कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो। वैसे यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स ऑफ वॉच फेस मिलते हैं, और ऐसे नहीं है वॉच फेस मतलब बच्चों वाले, यहाँ पे वॉच फेस भी अच्छे अच्छे मिलते हैं आपको, तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे ये वाला टाइप का भी, ये भी अच्छा लग रहा है मेरे को, इसको हम लगा के देखते हैं। और ऐसा भी नहीं टाइम लेती है, क्योंकि 60 हर्ट्ज़ का सैंपल रेट है, स्मूथ यूआई मिलता है, तो यहाँ पे वॉच फेस लगाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती, 20-30 सेकंड तक हार्डली आपका लेगी वॉच, और डायरेक्टली यहाँ पे आपकी वॉच में लग जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मेरे को काफ़ी बेटर लगा, और iOS डिवाइस में थोड़ा सा लेट लगता है, एंड्रॉयड डिवाइस में प्रॉपरली यहाँ पे जल्दी लग जाता है वॉच फेस, तो ये भी मेरे को काफ़ी बेटर लगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली लग चुका है, देख सकते हो यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ पे IPS पैनल का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से कलर एक्यूरेसी अच्छी मिलती है इसकी आपको, ठीक है। और गाइस अपने पिक को ऐसा वॉच फेस लगाना है, कस्टम पे जाना है, यहाँ पे कस्टम फेस पे सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और बैकग्राउंड में जाके अपने पिक को ऐसा वॉच फेस यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कस्टम बैकग्राउंड में जाके, ठीक है। वो मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी अनबॉक्सिंग करने के टाइम। यहाँ पे नोटिफिकेशन अगर आपके नहीं आ रहे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अलाउ करना है, यहाँ पे जाके आपको जो नोटिफिकेशन एक्सेस है यहाँ पे आपको बीट एक्सपी ट्रैक को आपको ऑल परमिशन अलाउ कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद आपके सारे के सारे नोटिफिकेशन वॉच में आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद एंटी लॉस्ट रिमाइंडर आपको ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ पे वॉच का,
और इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे ऑन कर देना है, ठीक है। अब ये ऑन कर दोगे ना तो किसी का भी कॉल आएगा तो नाम आएगा, शो करेगा, नंबर शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद अलार्म क्लॉक है और यहाँ पे मेज़रमेंट है और बैकलाइट यहाँ पे मिल जाती है, कितने सेकंड तक का रखना है आपको, यहाँ पे 20 सेकंड का मैक्सिमम मिलता है बेसिकली। रिस्ट वे ऑन ऑफ कर सकते हो। फीमेल हेल्प ट्रैकिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है और साथ में आपको फ़ोन बुक मिल जाती है। यहाँ पे आपका मेरे ख्याल से 10 कॉन्टैक्ट तक को सेव कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऐड करके दिखाता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे मैंने एक ऐड कर लिया, नहीं 20 ऐड कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। मैंने रिव्यू में भी बताया था एक्चुअली आपको, तो 20 कॉन्टैक्ट को ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। स्टॉक मार्केट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, लॉगिन करने के बाद आप स्टॉक मार्केट का यहाँ पे देख सकते हो और वर्ल्ड क्लॉक तो मिल ही जाता है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन की बातें। अब गाइस यहाँ पे मेन चीज़ जो आती है, इशू आता है लोगों को, कुछ चीज़ें मैं बता दूँ आप सभी को। जैसे कि अपने पिको एज अ वॉच फेस रख के आपको ऑल टाइम तक ऑलवेज ऑन रखना है इसको, मतलब 5 मिनट तक रखना है। ऑल टाइम तक तो ऑन ही रहती है इसमें, यहाँ पे 5 मिनट तक रखना है तो इस पर टैप करना है, यहाँ पे 5 मिनट तक ये स्क्रीन वेक रहेगी अब। बट गाइस ध्यान रखना है इसमें बैटरी आपकी ज़्यादा खाएगी। दूसरा यहाँ पे वॉच फेस आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो और लॉक भी कर सकते हो वॉच फेस को, ये लॉक रहेगा आपको, चेंज नहीं होगा, 12 से 13 वॉच फेस मिल जाते हैं। और गाइस यहाँ पे ये आपको जो मेन्यू स्टाइल चेंज करना है, यहाँ पे टैप करना है एक बार, फिर डबल टैप करना है एकदम से। देखो यहाँ पे 5 × 2 मेन्यू स्टाइल मिल जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। बट गाइस ये तो होगी सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे सॉन्ग सुन सकते हो आप क्या वॉच में इटसेल्फ, मैंने बताया था आपको सॉन्ग सुन सकते हो। यहाँ पे आपका जाना है, यहाँ पे ये जो है ना ऑडियो मोड यहाँ पे ऑन ऑफ कर देना है आपको इधर की साइड से। मैं एक बार दिखाया था आपको सॉन्ग सुना के वॉच में इटसेल्फ। बहुत सारे लोग पूछते हैं फिर मेरे से कि सॉन्ग चलेगा कि नहीं चलेगा वॉच में इटसेल्फ। सिंगल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है इवन दो, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे आप सॉन्ग को सुन सकते हो, ठीक है। तो यस गाइस यहाँ पे आप साउंड मतलब सॉन्ग सुन सकते हो वॉच में इटसेल्फ। अगर आपको वॉच में नहीं चाहिए तो यहाँ से आप फ़ोन में भी डाल सकते हो वापस से, मतलब फ़ोन में आवाज़ आएगी अब आपकी, ठीक है, इस तरीके से। इसमें चाहिए तो वॉच में आ जाएगी, ठीक है। बढ़ा सकते हो वॉल्यूम यहाँ से, अप डाउन कर सकते हो, और इवन आप यहाँ पे इधर से आके म्यूज़िक प्लेयर पे जाके भी कर सकते हो, ये रहा, ठीक है, चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे, तो प्रॉपरली कंट्रोल भी कर सकते हो यहाँ पे। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉल मिला के देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे मेरे से कि यहाँ पे रिंग नहीं बजती है, तो वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे वाइब्रेशन मोड भी ऑफ करने का ऑप्शन कहीं मिल नहीं रहा है मेरे को, तो वाइब्रेशन को ऑफ करके पूरा म्यूट भी नहीं कर सकते, तो बाय डिफॉल्ट वाइब्रेट ही होती है वॉच ये। एक बार कॉल करके देखते हैं, यहाँ पे ना ही रिंग बज रहा है ना ही म्यूट करने का ऑप्शन है, तो बाय डिफॉल्ट वाइब्रेट ही होती है वॉच, ठीक है, इस तरीके से मिल जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब ये चीज़ का फ्लॉ लगा मेरे को, ओटी अपडेट के थ्रू रिजॉल्व हो सकता है कंपनी चाहे तो, बट आई डोंट नो यहाँ पे कब तक करेगी रिजॉल्व, क्योंकि इतनी सस्ती वॉच है तो आई डोंट नो यहाँ पे कंपनी इस पे ध्यान देगी कि नहीं देगी। और यहाँ पे फॉर्मवेयर अपडेट पे जाएं तो यहाँ पे ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन बता रहा है, दैट्स इट। तो गाइज़ ये है सारे के सारे इशू मेरे ख्याल से मैंने रिजॉल्व कर दिए। और यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको रखना है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ लास्टली कैसे रखना है आपको। यहाँ पे सेटिंग पे जाना है नीचे की साइड से, सेटिंग पे जाने के बाद करेंसी टाइप का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना है आपको, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे आपको ऑन कर देना है, डिजिटल पॉइंटर आपका यहाँ पे हो जाएगा सेट, ठीक है। थोड़ी देर बाद जैसे यहाँ पे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो गाइज यही था एक डीप डाउन रिव्यू तो नहीं कहूँगा यहाँ पे आप सभी के लिए अलर्ट वीडियो। अगर आपका क्वेरी और भी कुछ रहता है बीट एक्सपी मार्व रेज के रिगार्डिंग, तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।